आपको पता होगा कि जर्मनी ने एक नया वीजा लॉन्च किया है जून में, विच इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कार्ड, कि आप अपॉर्चुनिटी कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अपॉइंटमेंट कैसे लेना है और बहुत सारी चीजें। अब जब आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाते हैं, आपको सर्विसेज पे क्लिक करना है, वीजा सर्विसेज पे, और आपको नेशनल वीजा कैटेगरी पे क्लिक करना है। तो बेसिकली ये अलग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आपको देखना पड़ेगा। आपका मेन गोल होना चाहिए कि आपको मिनिमम 6 पॉइंट्स चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर अपॉर्चुनिटी कार्ड। हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल गुरप्रीत इन जर्मनी, और हम आज के वीडियो में देखेंगे कि आप अपॉर्चुनिटी कार्ड की एलिजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं। द सेम वीडियो हैज बीन शॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन केस इफ यू वांट दैट देन वॉच दिस वीडियो in the same information I'm sharing right now in Hindi so that it's more easy for all of you. तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई करना है और आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है तो उसके क्या स्टेप्स है। आपको पता होगा कि जर्मनी ने एक नया वीजा लॉन्च किया है जून में, विच इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कार्ड। पहले जो जॉब सीकर वीजा था, जो आपको अलाउ करता था 6 मंथ्स आने के लिए जर्मनी में और जॉब सर्च करने के लिए, अब वो वीजा डिसकंटिन्यू हो चुका है और अब अपॉर्चुनिटी कार्ड वीजा आ गया है। तो अपॉर्चुनिटी कार्ड इज वेरी सिमिलर टू द जॉब सीकर वीजा, लेकिन अपॉर्चुनिटी कार्ड आपको अलाउ करता है जर्मनी आने के लिए 1 साल के लिए और जॉब ढूंढने के लिए। नॉट ओनली दैट, यू कैन इवन डू अ पार्ट टाइम जॉब जब आप अपना जॉब सर्च कर रहे हो। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी कार्ड के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है कंपेयर टू जॉब सीकर वीजा के लिए। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए तो आप प्लीज ये वाला वीडियो देख सकते हो, और बहुत ही जल्द मैं एक बहुत डिटेल वीडियो डालूंगी कि आप अपॉर्चुनिटी कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अपॉइंटमेंट कैसे लेना है और बहुत सारी चीजें। तो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए सो द बेस्ट प्रैक्टिस इज कि आप अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आपको ये सारी न्यू इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती रहे। लेकिन इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपॉर्चुनिटी कार्ड में कैसे चेक कर सकते हो। बेसिकली अपॉर्चुनिटी कार्ड में 2 ऑप्शंस है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। हम ये दोनों ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको बताऊंगी कि आप कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट में अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हो और आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा अगर आप ऑप्शन 1 में हो या आप ऑप्शन 2 में हो। तो लेट्स गेट स्टार्ट। हाउएवर, बिफोर जंपिंग इनटू दैट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप जर्मनी आ रहे हो जॉब सर्च करने के लिए तो आपके पास एक परफेक्ट सीवी होना चाहिए, और वो परफेक्ट सीवी के लिए आपको ये क्रैश कोर्स अगर आप लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी अपना ड्रीम जॉब ढूंढने के लिए। आई एम गुरप्रीत, आई वर्क एज अ रिक्रूटर हियर इन जर्मनी। मुझे 2 साल हो चुके हैं और मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स को हायर करती हूँ इन जर्मनी, इन यूरोप, फॉर डिफरेंट स्किल्स। तो मुझे पता है कि एक गुड रेज्यूमे होना कितना जरूरी है यहाँ पर। तो अगर आप अपना ड्रीम जॉब ढूंढना चाहते हो जर्मनी में, देन गो हैड एंड वॉच दिस क्रैश कोर्स। बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में ये कोर्स है और ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा अपने जॉब सर्च जर्नी में यहाँ पे जर्मनी में। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड के थ्रू आना है जर्मनी तो आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक कर सकते हो। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि अपॉर्चुनिटी कार्ड एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस नहीं है, इसके लिए बहुत अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व है, और ये अलग स्टेप्स आपके लिए हर एक इंसान के लिए अलग हो सकते हैं बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन, देयर डिग्री एंड सो मेनी अदर फैक्टर्स। तो इसीलिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना है ताकि आपको एक एक स्टेप पता चले और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है जो जर्मनी की हो, सो बेसिकली आपकी होम कंट्री के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो आपका ये जो ऑफिशियल वेबसाइट होगा वो india.diplo.de होगा। अब जब आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाते हैं, आपको सर्विसेज पे क्लिक करना है, वीजा सर्विसेज में, और आपको नेशनल वीजा कैटेगरी पे क्लिक करना है। अब आपको ये देखना है कि अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है वो नेशनल वीजा कैटेगरी में आता है, वो शेंगेन वीजा कैटेगरी में नहीं आता है।
शेंगन वीजा कैटेगरी में टूरिस्ट वीजा आता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कार्ड जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड है तो वो नेशनल वीजा कैटेगरी में आता है। अब यहाँ अगर आप जाते हो और आप चेकलिस्ट में जाते हो तो आप एम्प्लॉयमेंट और रिसर्च में जाइए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा चांसन काटे अपॉर्चुनिटी कार्ड। तो ये वीजा कैटेगरी है जो आपको अप्लाई करना है, तो आप इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको पूरा एक चेकलिस्ट मिल जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या प्रोसेस है। बट वरी नॉट, मैं बहुत जल्दी इस सारे स्टेप्स का एक बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिले। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाए, और मैं हिंदी में भी ये वीडियो बनाऊंगी। तो इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर दो ऑप्शन है, पहला है ऑप्शन 1 और दूसरा है ऑप्शन 2। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये दोनों ऑप्शन में डिफरेंस क्या है। तो अगर आपका ऑप्शन 1 है, दैट मींस जो आपकी डिग्री और आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो कंप्लीटली रिकॉग्नाइज होनी चाहिए जर्मनी के हिसाब से, जर्मन क्वालिफिकेशन के हिसाब से। और अगर आपकी डिग्री और यूनिवर्सिटी कंप्लीटली रिकॉग्नाइज है तो आप ऑप्शन 1 में आते हो। अगर आपको जानना है कि आप कैसे ये डिग्री वेरीफाई करोगे तो देर इज अ सेपरेट वीडियो, ये जॉब सीकर वीजा का वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में एक स्टेप है एनबिन वेरिफिकेशन का। तो वो आप वहां पर जाइए और देखिए कि आप एनबिन के थ्रू अपनी डिग्री और अपनी यूनिवर्सिटी कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। उस एनबिन वेबसाइट की लिंक मैं अपने जो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप वो यूज कर सकते हैं। इन एनी केस, अगर आप चाहते हो कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जस्ट फॉर एनबिन वेरिफिकेशन, तो आप प्लीज कमेंट में लिखिए ताकि मैं उस पे एक अलग वीडियो बनाऊं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब एनबिन में अपनी डिग्री और यूनिवर्सिटी वेरीफाई कर रहे हैं तो उसका जो आउटकम है वो H+ आना चाहिए। दैट मींस कि आपकी डिग्री फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड हो जाती है जर्मन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो अगर ये स्टेप आपका हो गया है तो आप ऑप्शन 1 में आ जाते हो और आप पे कोई पॉइंट बेस्ड सिस्टम कुछ भी अप्लाई नहीं होता है। लेकिन फॉर सम रीजन अगर आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री पार्शली रिकॉग्नाइज्ड है या रिकॉग्नाइज नहीं है, से फॉर एग्जाम्पल आपकी डिग्री तो एनाबिन में दिख रही है लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी एनाबिन में नहीं दिख रही है, तो ये पार्शली रिकॉग्निशन हो गया। या आपकी यूनिवर्सिटी दिख रही है लेकिन आपकी डिग्री नहीं दिख रही है तो भी ये पार्शियल रिकॉग्निशन हो गया। या फिर आपको दोनों नहीं दिख रहा है तो ये आपका जो डिग्री है और जो सर्टिफिकेशन है वो रिकॉग्नाइज नहीं है जर्मनी में, तो आप आते हो ऑप्शन 2 कैटेगरी में। और फिर ऑप्शन 2 कैटेगरी में आपका इम्पोर्टेंट होगा कि आपको मिनिमम 6 पॉइंट स्कोर करने पड़ेंगे टू बी एलिजिबल फॉर जॉब सीकर वीजा। तो ये दो मेन क्राइटेरिया है जो डिसाइड करते हैं कि आप ऑप्शन 1 में आते हो या आप ऑप्शन 2 में आते हो। अब आपको देखना है कि इस क्राइटेरियाज को आप कैसे, इसके थ्रू कैसे आप एलिजिबिलिटी अपनी चेक कर पाओगे, तो मैं अब आपको वो दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पर जाओगे जो सेल्फ चेक इन वेबसाइट है यहाँ पर जर्मनी की, जो मेक इट इन जर्मनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आप वहां पर जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सेल्फ चेक इन पोर्टल है अपॉर्चुनिटी कार्ड का। तो ये हम दोनों ऑप्शंस के लिए हम चेक करेंगे कि आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो कि आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। सो फॉर एग्जाम्पल पहले हम ऑप्शन 1 के लिए ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि अपनी कंट्री डाल दूंगी इंडिया और उसके बाद यहाँ पे सर्च करूंगी। अब जैसे ही मैं ये सर्च पे क्लिक करती हूँ तो फिर वो मुझे और अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा जिससे वो मेरी एलिजिबिलिटी चेक करेगा। तो सबसे पहला वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मैंने क्वालिफिकेशन की है क्या वो 2 साल से ऊपर है कि वो 2 साल से नीचे है। तो इन दिस केस मैं, अगर आप बी हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या आपकी कोई भी ऐसी डिग्री है जो 2 साल से ऊपर है, तो आप उस पे क्लिक करोगे यस आई हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री जो 2 साल से ऊपर है, और फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। फिर वो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो आपकी डिग्री और यूनिवर्सिटी है वो कंप्लीटली रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं जर्मनी के हिसाब से। अब ये ऑप्शन 1 कैटेगरी है तो मैं इसमें लिखूंगी कि यस माय क्वालिफिकेशन इज फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड इन जर्मनी, तो यहाँ पे एक टिक मार्क आ जाता है। तो मैंने एनाबिन में मैं गई हूँ, मैंने चेक किया है, मेरी यूनिवर्सिटी भी H+ है, मेरी डिग्री भी H+ है, तो मेरी जो पूरा फुल क्वालिफिकेशन है एज पर जर्मनी। और फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी और जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ, यह मुझे मैसेज देता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन
आई एम एलिजिबल फॉर अपॉर्चुनिटी कार्ड, अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं जाके अपॉइंटमेंट ले सकती हूँ, मेरी फाइल बना सकती हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकती हूँ और मैं डायरेक्टली वीजा के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। इसके साथ आपको और बहुत सारी चीजें लगेगी, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चीजें लगेंगी वो मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपका वीजा रिजेक्ट ना हो, एक अलग डिटेल वीडियो में जो बनाने वाली हूँ। इस वीडियो में हम सिर्फ अपना एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए। तो ये हो गया आपका ऑप्शन वन, जिसमें आप क्लियर हो और आप डायरेक्टली जाके अभी वीजा अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑप्शन टू का। तो अगर एग्जाम्पल ऑप्शन टू का देखना है तो मैं फिर से वही वेबसाइट में जाऊंगी जो सेल्फ चेक इन वेबसाइट है, और यहाँ पर आकर मैं अपना फिर से जो है वो कंट्री दूंगी, जैसे इंडिया, और यहाँ पर मैं सर्च पे क्लिक करूंगी। और इस ऑप्शन में क्या होगा, बेसिकली समझो आपकी एनाबिन में आपकी डिग्री आपकी रिकग्नाइज्ड है लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज नहीं है, या वाइस वर्सा, आपकी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज है लेकिन आपकी डिग्री रिकग्नाइज नहीं है, तो ये आ जाता है पार्शियल रिकग्निशन में। तो यहाँ पे अभी हम ये क्वेश्चंस का आंसर देते हैं और फिर आपको डिफरेंस समझ में आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे बोल रहा है कि डू यू हैव अ क्वालिफिकेशन दैट टुक मोर देन 2 years, मतलब ये फिर से सेम क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने जो डिग्री और क्वालिफिकेशन की है क्या वो 2 साल से ज्यादा है। तो अगर वो 2 साल से ज्यादा है तो आप करिए कि यस वो 2 साल से ज्यादा है, वो एक यूनिवर्सिटी डिग्री है, और आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब वो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी और डिग्री है वो फुल्ली रिकग्नाइज्ड है कि नहीं है। अब ऑप्शन टू के केस में मेरी डिग्री तो है एनाबिन में रिकग्नाइज, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी नहीं है रिकग्नाइज। तो इन दिस केस मैं उसको बोलूंगी कि जो मेरा क्वालिफिकेशन है वो पार्शली रिकग्नाइज है जर्मनी में। अब आप देख रहे हो यहाँ पर पॉइंट्स चालू हो गए हैं। तो इन दिस केस अगर मेरा पार्शियली रिकग्निशन है तो मुझे 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगर मेरे पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है जो रिकग्नाइज नहीं है जर्मनी में तो मुझे 0 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो इन दिस केस आई विल सिलेक्ट कि हाँ पार्शियली रिकग्नाइज है, तो 4 पॉइंट मिलेंगे और अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी। आपका एम है कि आपको 6 पॉइंट्स मिनिमम चाहिए ताकि आप एलिजिबल हो जाओ अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए। फिर वो आपसे पूछता है कि क्या आपके पास जर्मन लैंग्वेज स्किल्स है कि नहीं है। अब आपको पॉइंट्स इकट्ठा करने हैं, तो अलग अलग वे से आप पॉइंट्स इकट्ठा कर सकते हो। एक तो आपकी जर्मन लैंग्वेज स्किल्स से, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स से, आपके एक्सपीरियंस से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस वीडियो में हम वो देखेंगे। तो अभी समझो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि हाँ मेरे पास जर्मन लैंग्वेज स्किल्स है A1, लेकिन मेरे पास इंग्लिश भी है, तो मेरे पास इंग्लिश समझो B1 है और मेरे पास जर्मन है A1, और मैंने बोल दिया नेक्स्ट। अब वो आपसे पूछेगा कि क्या आप सर्टिफिकेट दिखा सकते हो। आपने बोल तो दिया आपके पास है, लेकिन आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपके पास जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है और इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है, और जर्मन लैंग्वेज जो आपका सर्टिफिकेट है वो गोथे इंस्टीट्यूट के हिसाब से अप्रूव होना चाहिए, और इंग्लिश लैंग्वेज कि कुछ कुछ जो टेस्ट है जैसे IELTS हो गया, TOEFL हो गया, वो सारे टेस्ट रिकग्नाइज्ड है अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए, तो आपको वो टेस्ट देना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी आप यहाँ देखिए, अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज B2 है या C1 के ऊपर है तो आपको 3 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज सिर्फ B1 लेवल का है तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपके पास A2 लेवल का है तो आपको 1 पॉइंट मिलता है, और अगर आपके पास सिर्फ A1 लेवल का जर्मन लैंग्वेज है तो आपको 0 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आप कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, से फॉर एग्जाम्पल आपके पास इंग्लिश का IELTS का टेस्ट का रिजल्ट नहीं है जो वैलिड है, या जर्मन लैंग्वेज का टेस्ट का रिजल्ट नहीं है जो वैलिड है, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको 0 पॉइंट मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक जर्मन लैंग्वेज का कोर्स अपने होम कंट्री से लीजिए और एक अच्छे लेवल का लीजिए, जिससे आपका पॉइंट बेस्ड सिस्टम इंक्रीज हो जाए और एक टेस्ट वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड हो, और तब आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई करिए। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी है तो मैंने ये इंस्टीट्यूट से टाई अप किया है, इन्होंने 80,000 ज्यादा स्टूडेंट्स को जर्मन, स्पैनिश, अलग अलग लैंग्वेजेस सिखाई है, और ये स्पेशलाइज करते हैं जर्मन लैंग्वेज में। तो अगर आपको जर्मन लैंग्वेज सीखना है और एक डिस्काउंटेड प्राइस चाहिए,
तो आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए जो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, और आप जर्मन लैंग्वेज अभी से सीखना चालू कीजिए जो आपके पॉइंट बेस्ड सिस्टम में हेल्प करेगा। नाउ कमिंग बैक, अगर आपके पास, समझो इस केस में मैं बोलती हूँ कि मेरे पास जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट सिर्फ A1 लेवल का है, मतलब मैंने सिर्फ A1 लेवल किया है, तो मुझे यहाँ पर 0 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ। और मैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बोलती हूँ कि हाँ मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट है जो B1 B2 का है, लेकिन उसके लिए भी मुझे 0 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ओनली इफ आई हैव इंग्लिश सर्टिफिकेट अबव C1 लेवल तो मुझे 1 पॉइंट मिलता है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप आईएल्स का एग्जाम दे रहे हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है ताकि आपके पॉइंट्स इंक्रीज हो। तो इस केस में मैं बोलती हूँ मेरे पास सिर्फ B1 B2 है और मुझे 0 पॉइंट मिल रहे हैं। अभी तक मेरे पास सिर्फ 4 पॉइंट्स गैदर हुए हैं, मुझे टोटल 6 पॉइंट्स चाहिए, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ। अब मैं बोलती हूँ, अब वो मुझसे पूछ रहे हैं हाउ ओल्ड आर यू। इफ यू आर बिटवीन 18 to 34 years ओल्ड तो वो 2 पॉइंट आपको मिलेंगे। अगर आप 35 और 39 के बीच में हो तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, और अगर आप 40 years से ओल्डर हो तो आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 40 years के ओल्ड हो और आपको फिर भी जर्मनी आना है अपॉर्चुनिटी कार्ड में, तो आप अपनी जर्मन लैंग्वेज स्किल्स को B2 के ऊपर लेके जाइए, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को भी ऊपर C1 के ऊपर लेके जाइए, ताकि आपके पॉइंट्स वहां से आपको मिले, क्योंकि एज के थ्रू पॉइंट्स आपको 0 मिलेंगे। तो इस केस में मैं सिलेक्ट करती हूँ कि मेरे जो एज है वो 35 और 39 के ऊपर है, तो यहाँ पे मुझे 1 पॉइंट मिल रहा है और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है कि नहीं, यस या नो। तो इस केस में मैं सिलेक्ट करती हूँ कि हाँ मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मेरे क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ। अब यहाँ पे ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका एक्सपीरियंस एटलीस्ट यू हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन लास्ट 7 years, आपके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन लास्ट 7 years, तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है इन लास्ट 5 years, तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, और अगर आपके पास 2 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो आपको 0 पॉइंट मिलेंगे। तो इस हिसाब से आप अपने पॉइंट्स गैदर कर सकते हो। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्रेशर हो और आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई करना है, तो आप इस जगह आपको 0 पॉइंट्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज है तो और इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है और आप यंग हो, तो आपको वहां से पॉइंट्स मिलेंगे। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको मिनिमम पॉइंट्स यहाँ पर 6 चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि हाँ मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और मेरे को यहाँ पे 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो मेरा टोटल पॉइंट हो गया 8, और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी, वो मुझे बोलेगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अपॉर्चुनिटी कार्ड। इवन दो मेरी एनबिन के थ्रू मेरी डिग्री और मेरा यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज नहीं था, मेरे पास जर्मन लैंग्वेज स्किल्स इतनी हाई लेवल पे नहीं थी, इंग्लिश लैंग्वेज का भी सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन मेरे पास जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था उसके वजह से मुझे 3 पॉइंट मिल गए हैं, तो उसके वजह से मेरा जो मिनिमम क्राइटेरिया है 6 पॉइंट्स का वो मीट हो चुका है। तो बेसिकली ये अलग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आपको देखना पड़ेगा। आपका मेन गोल होना चाहिए कि आपको मिनिमम 6 पॉइंट्स चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर अपॉर्चुनिटी कार्ड। बट इसमें वो क्लियरली आपको बोल रहा है कि आपको सारे सर्टिफिकेट्स दिखाने होंगे, आपको अपना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दिखाना होगा, और उसके बाद आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हो और अपॉर्चुनिटी कार्ड का अपॉइंटमेंट ले सकते हो। सो ये 2 सिंपल स्टेप्स है, आपको ये चेक करना है कि आप ऑप्शन 1 में आ रहे हो कि आप ऑप्शन 2 में आ रहे हो। ऑप्शन 1 में आने के लिए आपको चेक करना है कि एनबिन में आपके सर्टिफिकेट्स रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं। ऑप्शन 2 में आने के लिए आपको चेक करना है कि आप कौन से वे से आप 0.6 अचीव कर पा रहे हो। ये तो हो गया सिर्फ एलिजिबिलिटी चेक करने का क्राइटेरिया अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए, बट इसके अलावा और बहुत सारे स्टेप्स है। आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना है, जैसे आपका 1 साल का यू हैव इनफ मनी, आप कहाँ पे रहोगे, आपके पास पार्ट टाइम जॉब है कि नहीं है, ये सारी चीजों के बारे में मैं डिस्कस करूंगी और एक बहुत डिटेल बनाऊंगी अपॉर्चुनिटी कार्ड को लेके, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो, आप
कैसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो आप इस चैनल को पक्का सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में मिलती रहे। ये मेरा वीडियो है जो मैंने पहली बार हिंदी में बनाया है आप लोगों के लिए, ताकि आपको ये इजी लैंग्वेज में समझ में आए। अगर आपको ये अच्छा लगा है और आप चाहते हो कि मैं हिंदी में और वीडियोस बनाओ, तो आप प्लीज मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको हिंदी के वीडियोस भी अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको सेम वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में देखना है तो आप प्लीज इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको दिखाई देगा। इन एनी केस एज आई सेड कि अगर आपको जर्मनी में जॉब चाहिए तो आपको एक अच्छा रेज्यूमे चाहिए, तो आप क्रैश कोर्स लीजिए। अगर आपको क्रैश कोर्स नहीं लेना है और आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स है जर्मनी को लेके, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेके, वीजा को लेके, या अभी करंट मार्केट स्टेट क्या है जर्मनी में, ये सारे डाउट्स के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली आपसे बात करूंगी, आप मेरा कैलेंडर का स्लॉट बुक कर सकते हैं, या आप मुझे एक मैसेज क्वेरी भेज सकते हैं, वो मैसेज क्वेरी से भी मैं आपका रिप्लाई करूंगी। मैं खुद आपके मैसेजेस का रिप्लाई करूंगी, खुद आपसे 1-to-1 कॉल लूंगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। तो आई होप मेरा ये जो अटेम्प्ट है कि आपके लिए जर्मनी आना और आसान हो, आपको अच्छा लग रहा है। अगर लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊं। एट दी एंड यू हैव टू रिमेम्बर कि आपको खुश रहना है, अपना ख्याल रखना है, सब कुछ सॉल्व हो जाता है, सारी चीजों का सोल्यूशन मिल जाता है। और अगर नहीं मिल रहा है तो आप मुझसे बात करिए और हम साथ में मिलकर सोल्यूशन ढूंढेंगे। आई होप दैट हेल्प्स यू। टेक केयर, कीप वॉचिंग, आई सी यू सून अगेन।